नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर संडे होने की वजह से निकल पड़े हैं। एक सेकंड ट्रिप, जो आपने पार्ट वन देखा हमारा पहलगाम का, तो आज हम आपको पार्ट टू दिखाएंगे उसका। और आज हम आपको लेके जा रहे हैं पहलगाम फिर से, एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत जगह देखने के लिए। उस जगह को देखने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में, एंड तक आपको मैं वो जगह दिखाऊंगा कितनी खूबसूरत है, जन्नत है। वेलकम बैक टू आवर चैनल जिप्सी भारत। तो आज हम जा रहे हैं एक नई डेस्टिनेशन पर। क्या उसका नाम? उसका नाम है आरू वैली। क्या? आरू वैली पहलगाम इन कश्मीर। आरू वैली पहलगाम इन कश्मीर। बहुत ही कमर्शियलाइज्ड एक्टिविटीज़ हो रखी हैं। ये आपको मेन आरू वैली में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक अल्पाइन होटल है और ये पीछे पूरी वैली है। बहुत रश है यहाँ पे, तो हमने अभी यहाँ से डिसाइड किया है कि हम यहाँ पे तो कैंपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत है, भीड़ बहुत है। हम एक दूसरी जगह हमने सिलेक्ट की है, अब हम वहाँ चल रहे हैं। आइए आपको वहीं लेके चलते हैं।
और ये देखिए आलू मैश कर दिए हैं, बड़े अच्छे आलू मैश किए हैं इन्होंने। आज जो है परुल शर्मा खाना कार के अंदर बनाने के प्लान में है। तो ये हमारा टॉयलेट टेंट और कैंप सेटअप आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे गदर हो रखा है तगड़ा। बच्चे जो हैं इन्होंने डिसाइड किया था, आप देख सकते हैं, ये देखिए पीछे रुद्रा कूलर है, वो देखिए पीछे। तो रुद्रा ने डिसाइड कर लिया था कि मैं तो जा रहा हूँ जी पानी के अंदर और जिसको जो करना कर। तो रुद्रा भाई साहब पहुँच गए पानी में और मैं इधर ऊपर हूँ कैंप के पास और देखते हैं। मौसम थोड़ा बहुत प्यारा हो गया है, लेकिन बादल आ गए बहुत अच्छे और बढ़िया चल रहा है। आरू वैली के मज़े लिए जा रहे हैं। आज मैंने भी टोपी पहनी है, मैं देखा कि आजकल टोपी वाले जो है ब्लॉगर काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, तो पारो हंस रही है। ये आई पारो पीछे मेरे है पारो। तो टोपी वाले ब्लॉगर आजकल ज़्यादा चलते हैं ना, उनके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो मैंने भी टोपी पहन ली भैया जी है। और यहाँ मैं अपना डे कैंपिंग सेटअप किया हुआ है पीछे, बहुत बढ़िया आरू वैली में। देखते हैं आगे, मज़े लेते हैं। मैम जो है आलू का पराठा बनाती हुई हाँ अब ठीक है। और ये गया पहला आलू का पराठा। ऐसे करना दो रोटी के लिए, चलो वो कर रहा था। और हवा की वजह से हमारी लेडीज ने जो है ना किचन कार के अंदर ही सेट किया आज। अश्विन आ गए, कम ये लो, गरम है, बहुत गरम है, वहां रखो बीच में और दोनों बैठ के खाओ, दोनों खाओ उसी से। अंकल ये बहुत गरम है, ठंडा
हाँ फूकर करके फूकर कर नहीं नहीं मतलब कहाँ से आए हो इतने दिन कश्मीर में हो क्या क्या घूम लिया ये हमारा परांठा भी आ गया तैयार होके बिल्कुल बढ़िया तरीके से और इसको भी खाया जाएगा। अभी करता हूँ जाके पिता आज डंडा किसे पड़ा था हाँ भाई क्या रिपोर्ट है आपके परांठों की वो अच्छी रिपोर्ट है हमने बनाया है तो अच्छे हमने बनाए हुए अच्छे लगते हैं हेलो भी बोलो चलो सो वी कैन हैव अ हेलो हाय हेलो हेलो सो दीज आर द पीपल फ्रेंड्स हु हैव मेट अस एंड दे आर फ्रॉम गोवा सो वी विल बी कैचिंग अप विद देम जब हम गोवा जाएंगे तो इनसे जरूर मिलेंगे और इनके साथ कैंपिंग भी करेंगे ये भी कैंपिंग करते हैं और अभी हमारे सब्सक्राइबर भी बनने वाले हैं तो हम आपसे मिलेंगे बिल्कुल गोवा पहुंच के देन सी यू गोवा और कर्नाटका 100% एंड वी आर वी टुगेदर यस व्हाई नॉट यस थैंक यू सी यू आउट सी यू सो फ्रेंड्स हम लोग वापस घर जा रहे हैं हमारा बहुत ही खूबसूरत दिन बीता पहलगाम के आरू वैली जगह पर आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इन्हीं खूबसूरत रास्ते से जिनसे होकर हम आए थे वहीं से वापस जा रहे हैं अपने घर इफ़ यू लाइक आवर व्लॉग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोज़ थैंक यू बाय जय हिंद